राजस्थान में आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भजनलाल सरकार के 22 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व सीएम यानी कि वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। लेकिन आपको यहां पर यह बता दें कि नए मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे खेमे से 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें गजेंद्र सिंह, जवाहर बेडम, सुरेंद्र पाल सिंह, सुरेश रावत, मंजू बागमार, हेमंत मीणा और ओटाराम देवासी शामिल हैं। आपको बता दें इनमें गजेंद्र सिंह, हेमंत मीणा और सुरेश रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में कुल 16 जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें एसटी से किरोड़ीवल मीणा, हेमंत मीणा, बाबूलाल खराड़ी, एससी से मदन दिलावर और मंजू बागमार को मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा सामान्य वर्ग में गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन राठौर और संजय शर्मा को मौका दिया गया है। खास बात तो ये रही कि मंत्रिमंडल में बीजेपी ने तीनों ही भगवा दारियों को बाहर रखा। बाबा बालकनाथ, महंत प्रतापपुरी और बाल मुकुंदाचार्य तीनों ही बाबाओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। बीजेपी को इस बार गुज्जरों ने जमकर वोट दिए। 5 गुज्जर विधायक बीजेपी के टिकट पर जीत कर भी आए, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी गुज्जर विधायक को कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला। सिर्फ एक गुज्जर विधायक जवाहर सिंह बेडम को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मंत्रिमंडल गठन के बाद गुर्जर नेताओं की इस पर नाराजगी भी सामने आई है। राजपूत वर्ग से डिप्टी सीएम सहित 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जाटों में कन्हैया लाल चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 1 स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री का भी पद दिया गया है। मंत्रिमंडल में श्री करणपुर सीट से चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी शपथ दिलाई गई है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा का कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसे मंत्री कैसे बना दिया गया। आपको बता दें बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को 69 सीटें मिली। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था। 1 सीट पर उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव टाल दिया गया था। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय संतुलन साधने की होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में जब बीजेपी तीनों राज्यों में चुनाव हार गई थी, तब भी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की कुल 65 में से 61 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार इन राज्यों की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और तो और मंत्रिमंडल में पूरा संतुलन बनाया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जवाहर सिंह बेडम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सभा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसज्जित या प्रकट नहीं करूंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर मंजू बागवार ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ओटाराम देवासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत के
मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंधकरण से निर्वाह करूंगा तथा भव